सूबेदारगंज स्थित उत्तर मध्य रेलवे प्रधान कार्यालय में राष्ट्र का 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी ने ध्वजारोहण के साथ किया। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल, भारत स्काउट एवं गाइड तथा सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की परेड का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले 23 रेल कर्मियों को पुरस्कृत भी किया। महाप्रबंधक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पावन अवसर हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और प्रबल देशभक्ति की भावना की अनुभूति कराता है। इस पुनीत अवसर पर हम अपने महान देशभक्तों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के प्रति श्रद्धापूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, साथ ही अपने पिछले कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं तथा पूरी क्षमता और सामर्थ्य के साथ अपने महान राष्ट्र की सेवा में अपने को समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। महाप्रबंधक ने उत्तर मध्य रेलवे की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश में आम लोगों के परिवहन का प्रमुख साधन है। उत्तर मध्य रेलवे अपने आदर्श वाक्य गतिशीलता ही हमारी पहचान को चरितार्थ करते हुए सभी क्षेत्रीय रेलों में से एक अग्रणी रेलवे के रूप में देश को अपनी सेवा प्रदान करती है। हमारी रेलवे मुख्य रूप से यात्री परिवहन केंद्रित थ्रू गाड़ियों वाली रेल प्रणाली है, लेकिन इसके साथ साथ हम पूर्वी भारत के खदानों से कोयले का लदान कर उनकी उत्तर भारत के थर्मल पावर स्टेशनों को सुचारू और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के दायित्व को भी बखूबी निभाते हैं। हमारे ये कार्य निष्पादन हमारे वित्तीय प्रदर्शन में परिलक्षित होते हैं। कार्यालय के कामकाज में बेहतर कार्यकुशलता और उत्कृष्ट आउटपुट सुनिश्चित हो सके, इस उद्देश्य से कार्मिक विभाग में 20 अभिनव टूल्स लागू किए गए हैं। पिछले एक वर्ष में सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से 29,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया। हमारे रेलवे को रेलवे बोर्ड द्वारा रेल मंत्री राजभाषा ट्रॉफी के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह को वेबकास्ट के माध्यम से सभी रेल कर्मियों एवं अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया था। देश में आम लोगों की परिवहन का प्रमुख साधन है। उत्तर मध्य रेलवे अपने आदर्श वाक्य गतिशीलता ही हमारी पहचान है को चरितार्थ करते हुए सभी क्षेत्रीय रेलों में से एक अग्रणी रेलवे के रूप में देश को अपनी सेवा प्रदान कर रही है। हमारी रेलवे मुख्य रूप से यात्री परिवहन केंद्र थ्रू गाड़ियों वाली रेल प्रणाली है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम पूर्वी भारत के खदानों से कोयले का लदान कर उनकी उत्तर भारत के थर्मल पावर स्टेशनों को सुचारू और नियमित रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के दायित्व को भी बखूबी से निभा रहे हैं। हमारे ये कार्य निष्पादन हमारे वित्तीय वर्ष में परिलक्षित भी हो रहे हैं। इस क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहल की माह के दौरान हमने मूल अर्जन में लगभग 3% की वृद्धि की है। तो हमारी हर सांस उस बलिदान की ऋणी है जो लोगों ने अपने प्राण, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत और अपनी पता नहीं क्या क्या चीजों का बलिदान करके दी है। सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि जिन्होंने जान दी है सिर्फ उन्होंने ही बलिदान किया है, लेकिन उसके पीछे कई ऐसे बलिदान भी हैं जो परिवार का बलिदान है, जो उनके समाज में उनसे जुड़े लोगों का बलिदान है और जो उनके संगे साथियों का बलिदान है। इस दौरान उत्तर मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा, पदाधिकारी एवं अन्य सदस्य, उत्तर मध्य रेलवे के सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष, अन्य अधिकारी गण एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टेंडर फीट के बच्चों द्वारा समूह नृत्य, अपराजिता पटेल एवं मिताली वर्मा द्वारा कथक नृत्य, समूह गायन, सामूहिक देशभक्ति लोक नृत्य आदि की प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।